कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए सी जी पी एस सी पाठशाला क्लासेस को और करे अपने सी जी पी एस सी का सपना साकार डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट मैं निखिल कुमार को फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएस ई पारशा में सीपीएसई में आज टॉपिक है केंद्रीय बजट 2023-24 अभी हाल ही में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारत का बजट केंद्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया इस केंद्रीय बजट दो हजार के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और इस बजट में किए गए कुछ योजनाओं की घोषणाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान समझते हुए चलिएगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है सीजीपीएससी ई पाठशाला कि जल्द ही एक लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं आपके कुछ तीस चालीस आपके आंकड़े बचे हुए हैं एक लाख पूरे होने के लिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस भी स्टूडेंट ने अब तक सीजीपीएससी ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो थोड़ा सा समय निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आज ही के इसी वीडियो के बाद हमारा जो है सी जी पी एस सी ई पाठशाला का परिवार एक लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और आप लोगों को अगर मेरे द्वारा किया गया मेहनत पसंद आता है तो थोड़ा समय निकाल करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं ध्यान दीजिएगा जी पी एस ई पाठशाला करेंट अफेयर मैगजीन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 आपकी आपके मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप इन बुक डिपो में जाकर इस बुक को ले सकते हैं साथ ही साथ आप सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में कुरियर के माध्यम से फ्री होम डिलीवर मंगा सकते हैं ठीक है, है? चलिए ध्यान समझते हुए चलिएगा केंद्रीय बजट 2023-24 सबसे पहले हम जो है बजट के इतिहास को समझेंगे ठीक है कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि बजट के इतिहास से आते हैं ये आपके केंद्रीय बजट के क्वेश्चन ये जो है केंद्रीय बजट से रिलेटेड नहीं है ये थोड़ा सा आपके भारतीय इतिहास का क्वेश्चन बन जाता है भारतीय इतिहास का क्वेश्चन बनता है भारत के संविधान से क्वेश्चन बनता है ठीक है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट के बारे में बताया गया है भारत का पहला बजट किसने पेश किया तो थोड़े से जो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री से रिलेटेड है ठीक है ध्यान समझिएगा केंद्रीय बजट 2023-24 बजट का इतिहास भारत में बजट पद्धति की शुरुआत ध्यान भारत में जो की शुरुआत है, है? है इंपॉर्टेंट है, है प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में जो है बजट पद्धति की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में वर्ष अठारह ठीक है सिक्स वर्ष अठारह में जेब विलियम के द्वारा जेम्स विलियम के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था ठीक है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में 1860 में जेम्स विलियम के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी कि हमारा भारत देश आजाद हुआ था आपके पंद्रह अगस्त 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो भारत की आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1947 को छब्बीस नवंबर उन्नीस को आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत का आजादी के बाद पहला बजट पेश किया गया था बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है ठीक है बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है इंपॉर्टेंट है यह भी आपका बहुत बार का बना प्रश्न है लॉर्ड आपका कैनिंग के टाइम पीरियड में भारत में बजट पद्धति की शुरुआत हुई थी ठीक नेक्स्ट देखिए गणतंत्र भारत का गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया देखिए ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त उन्नीस को हमारा भारत देश तो आजाद हो गया था लेकिन भारत का संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था आपके वर्ष 1950 में तीन साल बाद ठीक है वर्ष 1950 में जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ तो संविधान बनने के बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है आपके जॉन मथाई जी के द्वारा पेश किया गया किसके द्वारा पेश किया गया जॉन मथाई जी के द्वारा ध्यान दीजिएगा जितना ही बता रहा हूं सबके सब आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं ठीक ध्यान दीजिए गणतंत्र भारत का अगर पूछेगा यानी कि भारत का संविधान बनने के पश्चात वर्ष 1950 के बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई जी के द्वारा अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट के बारे में बताया गया है तो ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जिसमें बजट प्रणाली के बारे में बताया गया ध्यान दीजिएगा इसमें डायरेक्ट आपके बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता उसमें आपको उल्लेख मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं इसे ही हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में संवैधानिक प्रावधान है ठीक है इंपॉर्टेंट है इसको भी याद रखना अब देखिए अभी जो भारत का बजट पेश किया गया भारतीय बजट दो हजार यह पेश किया गया आपके भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ध्यान दीजिएगा जो निर्मला सीतारमण जी है यह भारत की ध्यान दीजिए भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है अब यह है क्या थोड़ा ध्यान समझना देखिए वर्ष उन्नीस में वर्ष उन्नीस में पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी जी ठीक है पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी जी जिनके द्वारा बजट पेश किया गया ठीक लेकिन यह जो वर्ष 1970 का जो दौर था यह जो आपके इंदिरा गांधी जी जो थी यह भारत की प्रधानमंत्री थी ठीक है जबकि इन्हें वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था ठीक है यह पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नहीं थी इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था तो भारत का पहला बजट जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा पेश किया गया लेकिन उनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था और भारत की पहली महिला पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है पूछा जाए तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण जी ठीक है इंपॉर्टेंट है जो भी फैक्ट बताते जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़िए देखिए अब तक जो है किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया ठीक है यह प्रश्न बन सकता है तो ध्यान दीजिएगा अब तक जो है सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो है आपके मोरारजी देसाई का ठीक है मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई जो है अब तक दस बार बजट पेश कर चुके हैं ठीक है ये तो बात हो रही है आपके पुरुषों की ठीक है पुरुष कैटेगरी में अगर हम महिलाओं की बात करें महिला में तो अब तक जो है यह रिकॉर्ड सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के तौर पर सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है आपके निर्मला सीतारमण जी के नाम पर ठीक है निर्मला सीतारमण जी के नाम पर ठीक इन्होंने जो है अभी हाल ही में पांचवीं बार बजट पेश किया सर्वाधिक बार जो है आपके बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री है अगर ओवरऑल पूछा जाए महिला पुरुष दोनों को मिलाकर के ओवरऑल पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मुरारजी देसाई के नाम पे है दस बार उन्होंने बजट पेश किया उसके बाद पी चिदंबरम नौ बार प्रणब मुखर्जी नौ बार यशवंत राज चौहान सात बार सी डी देशमुख सात बार यशवंत सिन्हा सात बार मनमोहन सिंह जी के द्वारा छह बार और टी टी कृष्ण मचारी जी के द्वारा छह बार ठीक है थोड़ा बहुत शुरू के टॉप थ्री या फोर का नाम याद रख लीजिएगा अगर पर्टिकुलर स्पेसिफाई करके पूछता है कि किस महिला वित्त मंत्री के द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया तो किनके द्वारा पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ठीक है अब देखिए बजट से जुड़े हुए ना कुछ महत्वपूर्ण ईयर पर हम चर्चा करते हैं देखिए कुछ ईयर को आपको बता रहा हूं उसको ध्यान देना वर्ष उन्नीस वर्ष उन्नीस वर्ष दो ठीक है वर्ष उन्नीस वर्ष दो वर्ष 2019, ठीक है देखिए वर्ष 1956 सौ छप्पन यहां पर जो है बजट यहां पे याद रखना भाषा ठीक है वर्ष 1956 से पहले यानी कि वर्ष 1955 तक बजट जो है ये आपका केवल केवल इंग्लिश ठीक है केवल इंग्लिश भाषा में प्रस्तुत किया जाता था अंग्रेजी भाषा में जबकि 1955 के बाद यानी कि वर्ष 1956 से ये जो बजट है बजट आपके हिंदी में भी प्रस्तुत किया जाने लगा ठीक है बजट जो है ये हिंदी भाषा में भी प्रस्तुत किया जाने लगा नेक्स्ट है आपका वर्ष 2017 वर्ष 2017 में यहां पे जो है डेट डेट चेंज हुआ तिथि ठीक है तिथि वर्ष 2017 तक जो है यानी कि सॉरी वर्ष 2016 हजार वर्ष 2016 तक बजट जो है यह फरवरी महीने में फरवरी महीने के आखिरी तिथि में फरवरी जो है 28 और 29 का महीना रहता है ठीक है फरवरी महीने के आखिरी तिथि में पेश किया जाता था जबकि 2016 के बाद यानी कि वर्ष 2017 से बजट जो है अब फरवरी महीने के पहली तारीख को फरवरी महीने के पहली तारीख को बजट पेश किया जाता है ठीक यह इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है ठीक है कथन आधारित प्रश्न बन सकता है उसके बाद 2017 से ही एक चीज याद रखना रेल बजट ठीक है रेल बजट रेल बजट 2016 तक जो रेल बजट है ये पृथक रेल बजट पेश किया जाता था यानी कि अलग से अलग से जो है एक आम बजट आता था और आम बजट के साथ साथ जो है एक अलग से पृथक रेल बजट भी पेश किया जाता था ठीक है पृथक जो है आपका रेल बजट भी पेश किया जाता था जबकि 2017 से जो रेल बजट है रेल बजट का विलय कर दिया गया आपके आम बजट में किसमें विलय कर दिया गया आम बजट में अब आम बजट के साथ ही आपका रेल बजट पेश किया जाता है ठीक है यानी कि 2016 तक ठीक है जब तो आपका भारत का जब बजट पेश किया गया था पहली बार उस समय से लेकर आपके वर्ष 2016 तक रेल बजट जो है ध्यान दीजिएगा रेल बजट जो है आपका वर्ष 2016 तक पृथक रूप से पेश किया जाता था जबकि वर्ष 1917 में इस रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया आपको जो दो ईयर बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा एक है आपका वर्ष 1924 वर्ष 1924 में एक समिति थी जिसका नाम था आपका एकवर्थ समिति एक वर्त समिति के सिफारिश के आधार पर जो बता रहे उसको ध्यान दीजिएगा एक वर्त समिति के सिफारिश के आधार पर रेल बजट जो है रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया यानी कि वर्ष 1924 से लेकर के वर्ष 1924 से लेकर के 2016 तक रेल बजट को आम बजट से पृथक करके पेश किया जाता रहा ठीक है जबकि दो में दो में देवराय समिति ठीक है देवराय समिति के सिफारिश के आधार पर देवरॉय समिति के सिफारिश के आधार पर वर्ष 2017 में ठीक है देवराय समिति के सिफारिश के आधार पर जो है आपका रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया ठीक ये सारा ये देखिए ये जो आपका एकवर्थ समिति है इससे भी प्रश्न पूछा गया है देवराय समिति का संबंध किससे है रेल बजट आम बजट विलय से है ये सारा आया हुआ प्रश्न है ठीक उसके बाद नेक्स्ट ईयर है आपका 2019 2019 में एक प्रथा तोड़ी गई जो आपके वर्ष 2019 तक जो बजट जो है वो एक में, एक एक ब्रीफकेस ब्रीफकेस में में सूटकेस लाया जाता था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस प्रथा को तोड़ करके बजट को जो है आपके बही खाता के रूप में ठीक है बही खाता के रूप में बही खाता मतलब एक लाल कपड़े में लपेट कर लाल कपड़े में लपेट करके अब इसे लाया जाता है ठीक है जिसे बही बही खाता खाता की खाता की संज्ञा संज्ञा दी दी गई गई है है तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा वर्ष 1956 तक जो है वर, वर्ष उन्नीस वर्ष 1955 तक केवल इंग्लिश में जो है अंग्रेजी भाषा में बजट प्रस्तुत किया जाता था वर्ष 1956 से जो है हिंदी लैंग्वेज में भी प्रस्तुत किया जाने लगा वर्ष 2017 इसमें जो है डेट चेंज हुआ वर्ष दो तक फरवरी माह के अंतिम तिथि में बजट पेश होता था 2017 से इस प्रथा को चेंज करके फरवरी महीने के पहले तारीख को बजट पेश किया जाना शुरू किया गया वर्ष 2017 तक जो है आपके वर्ष 1924 सौ 24 को एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया वर्ष 2016 तक जो है पृथक तौर से आपका रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था लेकिन आपका देवरा समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2017 में आपका रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया वर्ष 2019 में आपके बही खाता के तौर पर लाल कपड़े में लपेट करके बही खाता के तौर पर बजट पेश किए जाने की परंपरा शुरू हुई ठीक है इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं उसके अलावा एक और ईयर याद रख लीजिएगा दो वर्ष दो से जो है भारत में पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई है कैसी बजट की पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई है पेपरलेस बजट क्या होता है टैबलेट में ठीक है टैबलेट टैबलेट में पढ़ा जाता है पेपर का यूज नहीं होता कोई पेपर का प्रिंटआउट नहीं निकाला जाता अभी भी जो है आपके लाल कलर के कपड़े में लपेट करके टैबलेट को लाया जा रहा है अब टैबलेट में पढ़ा जाता है सभी के सभी चीज यानी कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा रहा है वर्ष दो से ठीक है इसकी भी शुरुआत जो है निर्मला सीतारमण के ही कार्यकाल में हुई ठीक तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है वित्त मंत्री से रिलेटेड और वर्ष से रिलेटेड किस किस वर्ष में क्या क्या हुआ ठीक है अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा ठीक नेक्स्ट देखिए अभी देखिए अब हम बात करते हैं आपके बजट दो हजार की बजट दो हजार तेईस चौबीस महत्वपूर्ण तथ्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी के द्वारा पांचवी बार बजट पेश किया गया अभी जो इन्होंने बजट पेश किया है 2023-24 ये इनके द्वारा पेश किया गया पांचवा बार का बजट है है ठीक और इस पांचवे बार बजट पेश करने के साथ ही भारत की ये पहली महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है ठीक है और, और अगर ओवरऑल बात किया जाए तो सर्वाधिक किसने पेश किया है मोरारजी देसाई दस बार अगर महिला कैटेगरी बात किया जाए, महिला वित्त मंत्री कौन है तो वो है निर्मला सीतारामन जी ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रखना। यह या अमृतकाल का पहला बजट है।, का है कि पचहत्तर साल पूरे हो चुके हैं अब बचे हुए सौ साल पूरे होने के लिए लास्ट पच्चीस साल बचा है तो पे, बजट पेश किया गया है उन्होंने अपने बजटीय भाषण में यह जो बजट है यह काल का पहला बजट है ठीक है काल का पहला बजट है इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा ठीक वर्ष दो वर्ष दो में भारत की आजादी के जो है पूरे सौ साल पूरे हो जाएंगे ठीक है अभी चल रहा है क्या आपका 2023 ठीक बचा कितना साल है पच्चीस साल इसे ही क्या कहा जा रहा है अमृतकाल ठीक है और ये जो है अब अमृत काल की शुरुआत हो चुकी है और ये जो है अमृतकाल का उनके द्वारा पेश किया गया पहला बजट है कथन आधारित प्रश्न का क्वेश्चन बन सकता है ठीक देखिए इसमें बताया गया है कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है 1.97 लाख ठीक पेटेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है 1.97 लाख एक दशमलव नौ सात लाख अनुमानित है ठीक इसके साथ ही भारत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व में जो है फिफ्थ नंबर पर है हमारी इंडियन इकोनॉमी ठीक है ब्रिटेन को पछाड़ करके ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा भारत में जो है आपके निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पांचवी बार बजट पेश किया गया यह अमृत काल का पहला बजट है भारत का प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख अनुमानित है भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है यह सारा का सारा उनके बजटी भाषण में यह आपको उल्लेख पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा ठीक अभी जो इस साल जो बजट पेश किया गया इस बजट की सात प्राथमिकताएं हैं क्या है सात प्राथमिकताएं यानी कि सेवन पिलर सात प्राथमिकताएं ठीक इसको फोकस करके यह बजट बनाया गया है जो आपका केंद्रीय बजट है 2023-24 इन सात प्रमुख बातों को लेकर के इन सात प्राथमिकताओं पर फोकस करते हुए बजट 2023-24 तैयार किया गया है और इसे संज्ञा क्या चीज की दी गई है इसे जो है सप्तरशी की संज्ञा दी गई है जो सात प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है बजट पेश करने के लिए इन सात प्राथमिकताओं को सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है काफी इंपॉर्टेंट है अब ये सात प्राथमिकता कौन कौन से है पहला है आपका समावेशी विकास ठीक है सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास सेकेंड है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच यानी कि भारत के हर एक नागरिक तक हर एक कोने तक हर एक क्षेत्र तक जो है सरकार की पहुंच बने ठीक है नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर पर है बुनियादी ढांचा एवं निवेश यहां पे इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है फोर्थ नंबर है निहित क्षमताओं का विस्तार पांचवा नंबर है हरित विकास इस बार जो आपको बजट पेश किया गया है उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है आपके हरित विकास पे की दिया गया है आगे हम देखेंगे सिक्स नंबर पर है युवा शक्ति और सेवेंथ नंबर पर है आपका वित्तीय क्षेत्र इन सात प्राथमिकताओं पर फोकस करके इस साल का बजट जो है पेश किया गया है और इन सात प्राथमिकताओं को क्या संज्ञा दी गई है

सरकार के आय यानी कि सरकार को कहां कहां से इनकम होती है व्यय सरकार अपना पैसा किन किन क्षेत्रों में खर्च करती है तो आय और व्यय के लेखा जोखा को क्या कहा जाता है बजट ठीक है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सरकार को जो सबसे जो आपके पैसा है सरकार के पास पैसा किन किन क्षेत्रों से आती है ठीक है सरकार के पास जो पैसा है सरकार के पास पैसा किन किन क्षेत्रों से आती है सबसे पहले हम उसको देखेंगे मान लीजिए एक रुपए का सिक्का है ठीक है एक रुपए का सिक्का है अब इस एक रुपए के सिक्के में से सर्वाधिक सरकार को उधार एवं अन्य देवताओं से ठीक है उधार एवं अन्य देवताओं से जो है सरकार को सर्वाधिक इनकम होती है लगभग पैंतीस पैसे की एक रुपए में से पैंतीस पैसा या आप इसे समझ सकते हैं हंड्रेड रुपीज में से आपका थर्टी हंड्रेड परसेंट में से थर्टी फोर परसेंट एक रुपए में से चौतीस पैसा या हंड्रेड परसेंट में से थर्टी फोर परसेंट हिस्सा जो है यह उधार एवं अन्य देवताओं से देवताओं से आता है देनदारियों से आता है यानी कि सरकार जो है जो ऋण लेती है जो उधार लेती है ठीक है उससे सरकार का जो आपका थर्टी फोर परसेंट इनकम है ठीक अगर हम सेकेंड पोजीशन की बात करें तो सरकार को जो सेकेंड नंबर पर एक मिनट सरकार को जो सेकंड नंबर पर जो इनकम होती है वो होती है आपके जीएसटी से किससे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से थर्ड नंबर पर सरकार को जो इनकम होती है वो होती है आपके निगम कर निगम कर एवं आयकर से यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स और आपके इनकम टैक्स से ठीक शुरू के तीन आपके पॉइंट को याद रखना है ठीक है सीक्वेंस जमाने के लिए आपसे पूछ सकता है सरकार के पास रुपया कहां कहां से आता है थर्टी फोर परसेंट हिस्सा जो है उधार एवं अन्य देताओं से आता है उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है जीएसटी जीएसटी जो आपका है 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 एवं अन्य कर से आता है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर निगम कर और आयकर जिससे जो है फिफ्टीन परसेंट निगम कर से फिफ्टीन परसेंट आयकर से फिफ्टीन परसेंट आपका इनकम सरकार को होता है अब तो ये पैसा जो सरकार के पास आया अब सरकार इस पैसे को किन किन क्षेत्रों में खर्च करती है उसे हम देखेंगे नेक्स्ट देखिए सरकार का जो रुपया है वो किन किन क्षेत्रों में जाता है ध्यान दीजिए सरकार का जो सर्वाधिक पैसा है वो जाता है ब्याज अदायगी में कि सरकार ने जो उधार लिया उस उधार के बदले सरकार जो ब्याज चुकाती है ब्याज चुकाती है उसमें सरकार का सर्वाधिक पैसा जाता है ब्याज अदायगी में कुल हिस्से का 20 परसेंट यानी कि एक रुपए का 20 पैसा कुल हिस्से कुल आपके सरकार के इनकम का 20 परसेंट ब्याज के में जाता है जबकि सेकंड नंबर पर है आपका केंद्रीय क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं ठीक है, है? सॉरी सेकंड नंबर पर है आपके करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा यानी कि जो आपका जीएसटी कलेक्शन हुआ या अन्य कोई टैक्स का कलेक्शन हुआ तो उस टैक्स में राज्यों को जो हिस्सा जाता है वो सेकंड नंबर पर है यानी कि सरकार को जो इनकम हुई तो उसमें जो राज्यों की जो हिस्सेदारी है तो राज्यों को जो सरकार करों का हिस्सा सौंपती है वो सरकार के पास से जाती है पैसा सेकंड पोजिशन पर कुल आपका एटीन परसेंट रुपए का अठारह पैसा अगर हम तीसरे पोजीशन की बात करें तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में यानी कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं चलाती है उसमें जो है सरकार के कुल पैसे का सत्रह परसेंट या एक रुपए का सत्रह पैसा खर्चा होता है सरकार का जो सर्वाधिक पैसा कहां जाता है ब्याज अदायगी में बीस परसेंट सेकेंड नंबर पर कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा यानी कि जो आपके भारत के जो विभिन्न राज्य है उसकी उनकी जो हिस्सेदारी है करों में और टैक्स में वो सभी के सभी जो आपके से, से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्यों को देती है वो सेकंड पोजीशन पे अठारह परसेंट थर्ड में है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं चलाती है प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना ठीक है ये जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है उन आपके केंद्रीय आपकी, केंद्री आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर आपके सरकार की आय का सत्रह परसेंट उस क्षेत्र में खर्चा होता है ठीक है तो ये थोड़ा सा शुरू के टॉप के तीन को याद रखना है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका राजकोषीय घाटा अभी राजकोषीय घाटा क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए डेफिनेशन से राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा देखिए राजकोषीय घाटा होता क्या है राजकोषीय घाटा सरकार को राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च कुल कमाई से ज्यादा हो ठीक है यानी कि मान लीजिए सरकार के जेब में दस रुपए है और सरकार खर्चा कर रही है पंद्रह रुपए यानी कि इनकम कम है और व्यय खर्चा ज्यादा है ठीक है तो जब सरकार की कमाई से ज्यादा सरकार का खर्च हो तो यह कहलाता है आपका राजकोषीय घाटा सरल शब्दों में ठीक है ध्यान दीजिएगा तो अगर हम यहां पे ध्यान दें तो आपके वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजटीय अनुमान है कि राजकोषीय घाटा 5.9 परसेंट रहेगा ठीक है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत अनुमानित है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यानी कि बजट 2022-23 में संशोधित अनुमान है यहां ठीक है रिवाइज है वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वित्तीय वर्ष में यह राजकोषीय घाटा कितना था यह था आपका 6.4 परसेंट दो को आपको याद रखना है 22-23 में कितना 6.4 परसेंट तेईस चौबीस में कितना अनुमानित है तेईस चौबीस में आपका फाइव पॉइंट नाइन परसेंट अनुमानित है राजकोषीय घाटा क्या होता है जब सरकार का जो कुल खर्च है उसकी कुल कमाई से ज्यादा हो यानी कि सरकार की इनकम कम है और उसके खर्च ज्यादा है तब यह कहलाता है आपका राजकोषीय घाटा इसके अलावा आप राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा को भी देख सकते हैं प्रभावी राजस्व घाटा डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा यहां पे अगर आपको डाटा याद करना है तो कर सकते हैं लेकिन आपको मेन फोकस करना है किस पे आपको मेन फोकस करना है राजकोषीय घाटा पे अगर प्रश्न बनने की जो सर्वाधिक संभावना किससे है वो इसी से है राजकोषीय घाटा से ठीक है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.9 परसेंट अनुमानित है ठीक नेक्स्ट देखिए अब देखिए भारत का आर्थिक विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का जो आपका आर्थिक विकास दर है यह वित्तीय वर्ष दो हजार में सात प्रतिशत अनुमानित है जबकि आपके वित्तीय सॉरी वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6.5 परसेंट ठीक है ध्यान दीजिएगा चालू वित्तीय वर्ष में ये जो है ये अभी चालू वित्तीय वर्ष में है चालू वित्तीय वर्ष यानी कि अभी एट प्रेजेंट की बात हो रही है ठीक है देखिए वित्तीय वर्ष की जो गणना है ना ये आपके एक अप्रैल से इकतीस मार्च के बीच में होती है एक अप्रैल से इकतीस मार्च एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो है आपके फाइनेंशियल ईयर आपके वित्तीय वर्ष की गणना की जाती है यानी कि अभी जो है अभी चालू वित्तीय वर्ष कौन सा है चालू वित्तीय वर्ष है अभी आपके 2022-23। जब तक 31 मार्च 31 मार्च 2023 से पहले कोई भी एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष में आपका भारत का आर्थिक विकास दर कितना है उसमें ईयर मेंशन नहीं किया है, केवल पूछ रहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट कितना अनुमानित है तो आप आंसर लेंगे सेवन परसेंट ठीक है जबकि ये जो है ये एक अप्रैल के बाद का है ठीक है एक अप्रैल के बाद का है ठीक तो ध्यान दीजिएगा वित्तीय वर्ष दो हजार के लिए भारत का आर्थिक विकास दर यानी कि प्रेजेंट चालू वित्तीय वर्ष के लिए सात प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2023-24 के लिए ये 6.5 परसेंट ठीक है छह दशमलव पांच प्रतिशत अनुमानित है ठीक नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह है क्या ध्यान दीजिएगा अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कोविड नाइनटीन के समय भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है ठीक है पांच किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरित किया जाता है ध्यान दीजिएगा इस साल के बजट में यह घोषणा किया गया है कि इस योजना को अगले एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है ठीक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसकी अवधि अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा रही है और यह लागू हो गया आपके एक जनवरी 2023 से ठीक है एक जनवरी 2023 से यह लागू हो चुका है अगले एक साल के लिए इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है यानी कि 31 दिसंबर 2023 या एक जनवरी 2024 तक ठीक है तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें अंत्योदय यहां पे तो पहले याद रखना कि कौन से राशन प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है जिसमें पांच किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क प्रदान किया जाता है अगले एक वर्ष के लिए इसकी अवधि बढ़ाई गई है एक जनवरी दो से यह लागू है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन सकता है ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है भारत एट द रेट हंड्रेड की यात्रा में चार रूपांतरकारी मौके आप सभी को पता है अभी जो, अभी जो जो भारत देश जो है ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं बाकी बचे हैं आपके 25 साल ठीक है अभी मैंने आपको शुरू में टाइम पीरियड बताया दो में भारत की आजादी के सौ साल पूरे हो जाएंगे तो जो बचा हुआ जो पच्चीस साल है इस पच्चीस साल के लिए कौन कौन से चार रूपांतरकारी मौके हैं जिस पर हमें फोकस करना होगा पहला है आपका महिला आर्थिक सशक्तिकरण दूसरा है पीएम विकास तीसरा है पर्यटन और चौथा है आपका हरित विकास ठीक है महिलाओं को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देना है अभी जो आगे का बचा हुआ जो 25 साल है यानी कि भारत एट हंड्रेड की यात्रा में चार रूपांतर चार रूपांतरकारी जो मौके है उसमें पहला है आपका महिलाओं का आर्थिक विकास ठीक है अब महिलाओं का आर्थिक विकास किस प्रकार से होगा महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला उद्यमियों को तैयार करना उनके द्वारा शुरू किए गए उत, आपके स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना यह है क्या है यह है आपके महिला आर्थिक सशक्तिकरण महिला स्व सहायता समूह ठीक है सेकंड नंबर पर है पीएम विकास पीएम विकास क्या है विश्वकर्मा कौशल सम्मान ध्यान दीजिएगा ये जो विकास है विकास का ही फुल फॉर्म है विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास का फुल फॉर्म क्या है पूछ सकता है ठीक है पीएम विकास का फुल फॉर्म क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पीएम विकास योजना ये इसमें क्या है देखिए इसमें पारंपरिक शिल्पकारों को बढ़ावा दिया जाएगा पारंपरिक शिल्पकार देखिए पारंपरिक शिल्पकार यानी कि जो हाथों से हाथों से जो आपके वस्तुओं का निर्माण करते यानी कि हथकरघा से जो बुनकर हो गए जो पारंपरिक शिल्प कला में लगे हुए जैसे कि हमारे प्रदेश में आपके घड़वा शिल्प हो गया ठीक है झारा शिल्प हो गया जो कास्ट शिल्पकार है जो पारंपरिक औजारों से जो आपके वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं इन्हें कहा जाता है आपका पारंपरिक शिल्पकार तो पीएम विकास यानी कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत उन्हें ट्रेनिंग उनके ब्रांड का प्रमोशन उन्हें मार्केट प्रदान करना उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाना यह जो है पीएम विकास योजना यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य है अगला है आपका पर्यटन रोजगार सृजन एवं पब्लिक प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाना यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में टूरिज्म के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर का सृजन करना एवं पब्लिक प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाना ठीक है और उसके बाद अगला है आपका हरित विकास हरित विकास देखिए हरित विकास जो है इसका मुख्य बिंदु है आपका पर्यावरण कार्बन सघनता को कम करना ठीक है कार्बन सघनता को कम करना और हरित ईंधन हरित ऊर्जा हरित खेती हरित मोबिलिटी हरित भवन पर जोर देना ठीक है तो भारत एट द रेट हंड्रेड की यात्राओं में चार रूपांतरकारी मौके महिला सशक्तिकरण सेकेंड पीएम विकास यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो पारंपरिक जो शिल्पकार है ना उन्हें ही भारत के विश्वकर्मा कहा जाता है ठीक है भारत के विश्वकर्मा उन्हें विकास योजना का संबंध किससे है पारंपरिक शिल्पकारों से है ठीक है हमारे प्रदेश में भी आपकी योजनाएं चलती है आपके पौनी पसारी योजना वो भी पारंपरिक शिल्पकारों से ही संबंधित है ठीक उसके बाद आपका पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं पब्लिक रोजगार सृजन एवं पब्लिक प्राइवेट भागीदारी बढ़ाना पर्यटन क्षेत्र में ठीक है उसके बाद अगला है आपका हरित विकास जिसमें मुख, जिसका मुख्य बिंदु है आपका पर्यावरण पर फोकस कार्बन सघनता को कम करना हरित ईंधन हरित ऊर्जा हरित खेती हरित मोबिलिटी और हरित भवन पर जोर देना ठीक है नेक्स्ट देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीएम विकास ठीक है पीएम विकास का संबंध किससे है पूछेगा तो पारंपरिक शिल्पकारों से है पीएम विकास का फुल फॉर्म क्या है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान विकास ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र संबंधित बहुत सी घोषणाएं हुई है देखिए सबसे पहला है आपका कृषि वर्धन निधि जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा एग्रीकल्चर एक्सीटर फंड ठीक है एग्रीकल्चर एक्सीटर फंड अब ये है क्या युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना ठीक है भारत जो है यह कृषि प्रधान देश है तो जो युवा जो कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और वो कृषि से संबंधित यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टार्टअप्स ला रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अलग से फंड बनाया जा रहा है जिसे कहा गया है आपका कृषि वर्धक नीति या एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड ठीक है जिसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र के युवा उद्यमी जो कि एग्री एग्री स्टार्टअप्स ला रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा इस फंड के माध्यम से ठीक, नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट श्री अन्न श्री अन्न क्या है ध्यान दीजिएगा इस श्री अन्न का संबंध है आपके मोटे अनाजों से किससे संबंध है मोटे अनाजों से इसका संबंध है मोटे अनाज जिसे क्या कहा जाता है मिलेट्स ठीक है क्या कहा जाता है इसे मिलेट्स कहा जाता है अभी जो वर्तमान आपका वर्ष है वर्ष दो इसे मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है श्री वंश का श्री अन्न का संबंध श्री अन्न का संबंध किस क्षेत्र से पूछा जाएगा तो मोटे अनाज से है किससे है मिलेट से है ठीक इस श्री अन्न के अंतर्गत मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न स्थापित किए जाएंगे ठीक है वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसे नाम दिया जाएगा श्री अन्न मिलेट्स के लिए वैश्विक केंद्र ठीक श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक है यानी कि जो हमारा भारत देश है भारत देश श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों का मिलेट्स का भारत देश सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है ठीक है इंपॉर्टेंट है जो भी बताओ ध्यान से समझते हुए चलिएगा आपका मिलेट्स का यानी कि मोटे अनाज का जिसे क्या संज्ञा दी जा रही है श्री अन्न की संज्ञा दी जा रही है श्री अन्न का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है ठीक है एक्सपोर्टर है ठीक देखिए अगर हम बात करें श्री अन्न के अंतर्गत जवार अंतर्गत आएंगे ये जितने भी मोटे अनाज है जितने भी मिलेट्स है ये सबी के सभी जो है आपके श्री अन्न के अंतर्गत आएंगे ठीक है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद को जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा ठीक है श्री अन्न उत्कृष्ट उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आपका भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर मौजूद है हैदराबाद में मौजूद है स्थापित किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ ठीक है इसके अंतर्गत बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए आपका 2200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है योजना क्या है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम इसका शुभारंभ किया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा फोकस करने वाला टॉपिक कौन सा है इसमें यह है आपका श्री अन्न ठीक है श्री अन्न किससे संबंधित है मिलेट्स से संबंधित है प्रश्न बनेगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट ठीक मिलेट्स भारत जो है मिलेट्स का श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा ठीक नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में की गई घोषणा इस बजट आपके बजट 2023-24 में घोषणा किया गया है कि एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी ठीक है एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन वर्ष दो देखिए एनीमिया क्या होता है एनीमिया का मतलब होता है आपके रक्त की कमी ठीक है मुख्यतः परेशानी जो है महिलाओं में होती है रक्त की कमी एनीमिया और सीकल सेल क्या होता है सीकल सेल का मतलब होता है आपका आरबीसी आरबीसी की कमी ठीक है रेड ब्लड सेल आरबीसी की कमी के कारण होता है आपका सिकल सेल तो भारत जो है भारत में एक आपका डेट डिसाइड किया गया है वर्ष दो वर्ष दो तक यह सिकल सेल और एनिमिया के उन्मूलन उन्मूलन किए जाने का यानी कि इस, इसे समाप्त किए जाने का एक डेट डिसाइड किया गया है इसके रोकथाम का इसके उन्मूलन का दो ठीक है प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्रीय बजट दो हजार में सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है तो वह है आपका वर्ष दो ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका डिजिटल लाइब्रेरी इस बजट में घोषणा किया गया है कि राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी जो कि बच्चों और किशोरों के लिए होगा जिसमें हर लैंग्वेज में हर प्रकार के बुक अवेलेबल होंगे जैसे अभी आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं यूट्यूब पर उसी प्रकार से एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाई जा रही है एक पुस्तकालय बनाया जा रहा है ठीक है जैसे कि आप किसी लाइब्रेरी में जाकर के अलग अलग पुस्तकों को पढ़ सकते हैं वैसे ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जिसमें हर प्रकार के बुक हर प्रकार के लैंग्वेज में हर प्रकार के भाषाओं में अवेलेबल होंगे ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंच अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंच का मतलब देखिए इसमें मुख्यतः बातें की जा रही है आपके जनजाति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों की पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि आपका जो सेवन सिस्टर स्टेट है सिक्किम मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम ठीक है ये सभी के सभी उधर जो है आपके सेवन सिस्टर स्टेट की बात हो रही है और जनजाति बहुल क्षेत्रों की बात हो रही है ठीक है यहां पे जो आपका अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ये आपका सप्तर्षी सात प्राथमिकताओं में से एक है सबसे पहले आपका आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाए जाएंगे ध्यान दीजिएगा अभी जो है प्रदेश सरकार आप बहुत आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या पढ़ते आ रहे हैं आकांक्षी जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर अब लाया जा रहा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ठीक है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पूरे भारत भर में से जो है एक सौ कुछ जगह पे आपको 112 लिखा हुआ मिलेगा लेकिन एक्चुअली में कितना है 115 पूरे भारत भर में से 115 जिलों का चयन किया गया था आकांक्षी जिलों के रूप में ऐसे जिले जिनके पास विकास के सभी मूलभूत संसाधन मौजूद है यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें हमारे बस्तर अंचल के या फिर आपका कोरबा जिला जिसके पास विकास के संपूर्ण संसाधन मौजूद है उसके पास कोयले का भंडारण है खनिज का जो है आपके पर्याप्त मात्रा में भंडारण मौजूद है लेकिन फिर भी वो विकास नहीं कर पा रहे तो ऐसे जिले जिनके पास संपूर्ण संसाधन तो मौजूद है लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है उन्हें आकांक्षी जिले की श्रेणी में रखा गया है और उसी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर अब सरकार ला रही है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ठीक है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार क्या ला रही है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ठीक जिसके अंतर्गत पूरे भारत भर में से 500 ब्लॉक का चयन किया जाएगा 500 ब्लॉक का चयन किया जाएगा प्रश्न पूछा जाएगा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने ब्लॉक का चयन होगा पांच ब्लॉक का चयन होगा ठीक है जिसमें स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि जल संसाधन वित्तीय समावेशन कौशल विकास और आधारभूत आधारभूत अवसंरचनाओं पर फोकस किया जाएगा ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन अब ये क्या है प्रधानमंत्री पी वी टी जी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ठीक है इसका हिंदी मतलब होता है आपका विशेष रूप से संकट प्राय जनजाति समूह ठीक है हमारे अगर हम प्रदेश में बात करें तो इस ग्रुप के अंतर्गत हमारे प्रदेश की पांच आदिवासी जनजाति शामिल है कौन कौन सी है एक है आपका अबुजमाड़िया अबुज माडिया एक है बैगा कमार बिरहोर, पहाड़ी कोरवा हमारे प्रदेश की पांच जनजातियां इस पर्टिकुलरली वर्णन लेबर ट्राइवर के अंतर्गत आते हैं विशेष रूप से संकट प्राय पिछड़ी हुई जनजातियां ठीक है।, है तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन लाया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में ठीक है विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह इसका मतलब क्या होता है पीवीटीजी का मतलब विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह वर्तमान में भारत में कुल पचहत्तर जनजाति समूह इस पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं और इस पचहत्तर में से पांच हमारे छत्तीसगढ़ में है कौन कौन से अबुजमारिया बैगा कमार बिरहोर पहाड़ी कोरबा ठीक है तो इनके विकास के लिए एक मिशन चलाया जाएगा इस चालू वित्तीय वर्ष में इंपॉर्टेंट है याद रखना है ठीक है भारत में जो है टोटल कितने जनजाति समूह है जो इसके अंतर आपके पीवी टीजी के अंतर्गत आते हैं तो टोटल पचहत्तर जनजाति समूह इस पचहत्तर में से तो पांच हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं ठीक इंपॉर्टेंट है, है यह फैक्ट को याद रखिएगा नेक्स्ट है भारत साझा पूरा लेख निधान जिसे श्री की संज्ञा दी गई है अब यह क्या है इसे ध्यान समझिएगा भारत साझा पूरा लेख निधान शॉर्टकट में श्री एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय है क्या है एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय है भारत भारत श्री का संबंध किससे है भारत श्री का संबंध एक पुरालेख संग्रहालय एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय से है ठीक इसमें एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण प्रथम चरण में जो है इनका डिजिटलीकरण किया जाएगा भारत के एक लाख प्राचीन पुरालेख ठीक है उनका जो है प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेख का क्या किया जाएगा आपका डिजिटलीकरण किया जाएगा भारत श्री का संबंध किससे पूछेगा तो भारत श्री का संबंध किससे है भारत का जाएगा तो डिजिटल पूरा लेख संग्रहालय से संबंध है आपका श्री का जिसके प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पूरा लेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका पूंजीगत व्यय अब पूंजीगत व्यय क्या होता है बजट में अलग से इसे स्पेसिफाई किया गया है। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट तेरह दशमलव सात लाख करोड़ होगा जो कि जीडीपी का चार दशमलव पांच प्रतिशत होगा कथन आधारित प्रश्न में अलग से हाईलाइट करके दे सकता है या सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है ठीक है देखिए यहां पर जो है आपके पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय का पूरा यहां पर ग्राफ दिया गया पूंजीगत व्यय क्या होता है देखिए एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर होता है जैसे कि मान लीजिए सरकार अगर कोई खर्च कर रही है सरकार अगर कोई पैसा जो है खर्च कर रही है और वो पैसा सरकार को वापस नहीं मिलेगा तो वो कहलाएगा आपका राजस्व है यानी कि सरकार के अलग अलग विभाग में जो अलग अलग अधिकारी काम कर रहे हैं और उन अधिकारियों को सरकार जो पैसा दे रही है ये कहलाता है आपका राजस्व है पूंजीगत व्यय क्या होता है जब सरकार जो है मान लीजिए सरकार ने कोई एक प्लांट स्थापित किया उस प्लांट से जो सरकार को जो इनकम जनरेट होगी जो आय का साधन बनेगा वो कहलाता है आपका पूंजीगत व्यय यानी कि पैसा लगा करके सरकार जो पैसा कमाती है प्लांट बना करके सरकार उस प्लांट से बिजली बेचेगी और बिजली बेचकर सरकार जो पैसा कमाएगी ये कहलाता है क्या आपका पूंजीगत व्यय तो ध्यान दीजिएगा प्रभावी पूंजीगत व्यय का व्यय का बजट जो है ये है आपका तेरह दशमलव सात लाख करोड़ जो कि जीडीपी का चार दशमलव पांच प्रतिशत होगा ठीक है देखिए यहां पे जो ग्रीन कलर में है ये है आपका पूंजीगत व्यय और जो आपका 3.7 है ये पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और टोटल टोटल जो सरकार का जो पूंजीगत व्यय है वो कितना है वो है आपका 13.7 लाख करोड़ इंपॉर्टेंट है इसको भी याद रखना जो कि जीडीपी का 4.5 परसेंट होगा नेक्स्ट देखिए मिशन कर्मयोगी अभी मिशन कर्मयोगी क्या है केंद्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवकों के क्षमता निर्धारण योजनाएं तैयार एवं क्रियान्वयन जो है ये ये आपके मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत है यानी कि जो सिविल सर्वेंट है ठीक है आई आईपीएस अन्य जो आपके सिविल सर्वेंट है उनकी क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार एवं क्रियान्वयन से संबंधित है आपका मिशन कर्मयोगी सरकार ने काफी पहले लाया था आपके मिशन कर्मयोगी को ठीक है जो कि आपके सिविल सेवकों के मध्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए लाया गया एक मिशन था मिशन कर्मयोगी अभी इस साल के बजट में इसी मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट कर्मयोगी की भी घोषणा की गई है आई गॉट कर्मयोगी एक प्लेटफॉर्म है जो कि इन सिविल सेवकों के एकीकृत एक ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित है ठीक है इन सिविल सेवकों के एकीकृत एक ऑनलाइन प्रशिक्षण यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित है आई गॉट कर्मयोगी ठीक इंपॉर्टेंट है याद रखना है प्रश्न पूछा जाएगा आई गॉट कर्मयोगी या कर्मयोगी मिशन का संबंध किससे है आपके ऑनलाइन प्रशिक्षण किसके ऑनलाइन प्रशिक्षण से है सिविल सेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित है आई गॉट कर्मयोगी या कर्मयोगी मिशन ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हरित विकास हरित विकास भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए ठीक है भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए हरित विकास ध्यान दीजिएगा भारत का जो लक्ष्य है कि वर्ष 2070 तक वर्ष 2070 तक निवल शून्य कार्बन कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन देश बना सकते हैं भारत को कब तक वर्ष 2070 तक इसके लिए एक नए मिशन की घोषणा की गई है इस मिशन का नाम क्या है पंचामृत ठीक है इस पंचामृत मिशन इस पंचामृत कार्यक्रम के तहत हरित विकास पर जोर दिया जाएगा जिसमें हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को हरित आधारित आर्थिक परिवर्तन को लाने का प्रयास किया जाएगा तथा वर्ष 2070 तक भारत को जो है निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन देश यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन आ, कंट्री बनाए जाने का इसमें प्रयास किया जाएगा इसके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके लिए चलाया जा रहा है आपका पंचामृत इंपॉर्टेंट है याद रखना है और इसमें आपको ये ईयर याद रखना है वर्ष 2070 तक वर्ष 2070 तक जो है भारत को पंचामृत मिशन के तहत जो है जीरो आप, आ, नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बनाया जाएगा नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन मिशन अब ये हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना जैसे कि कोयला ठीक है कोयला हो गया पेट्रोल हो गया ये सभी सभी क्या है जीवाश्म ईंधन पर आधारित है ठीक है तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना ये जो है हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य है हाइड्रोजन जो है ये आज के डेट में सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्त्रोत है ठीक है हमारा टारगेट है इस साल के बजट में घोषणा किया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत जो है पांच मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करेगा किसका आपका हरित हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट है कथन आधारित प्रश्न का एक सिंगल स्टेटमेंट बन सकता है कि हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत आपके जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जाएगा और वर्ष 2023 तक भारत जो है पांच मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करेगा किसका हरित हाइड्रोजन का ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका पी प्रमाण पी प्रणाम अब देखिए प्री एम प्रणाम है क्या पहले यह समझ लीजिए बजट में इसके लिए एक स्पेसिफिक लाइन यूज किया गया है पृथ्वी माता के पुनरुद्धार इसके प्रति जागरूकता पोषण और सुधार हेतु एक प्रधानमंत्री कार्यक्रम है जो पीएम प्रणाम जो है ये एक प्रधानमंत्री कार्यक्रम है जो कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार इसके प्रति जागरूकता पोषण और सुधार हेतु है अगर इसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो ये भूमि प्रदूषण के रोकथाम से संबंधित है किससे संबंधित है भूमि प्रदूषण के रोकथाम से संबंधित एक कार्यक्रम है भूमि प्रदूषण के रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम का मतलब इसमें कहा गया है कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलन प्रयोग और इसके स्थान इस पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग यानी कि कृषि क्षेत्र में जो हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग यानी कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना और इसके स्थान इस पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना यानी कि यहां पर सीधा बात किया जा रहा है जैव उर्वरकों के बढ़ावा दिए जाने पर ठीक है इंपॉर्टेंट याद रखना है तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है इसका संबंध है रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग और जैव उर्वरकों के यानी कि वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना भूमि प्रदूषण को कम करना नेक्स्ट है आपका गोबरधन स्कीम ठीक है ध्यान दीजिएगा गोबर यानी कि जो गाय का जो गोबर होता है ठीक है गोबर से धन बनाना ठीक है गोबर से धन बनाना यानी कि आमदनी गोबरधन स्कीम देखिए गोवर्धन स्कीम जो है ये अवशिष्ट से आमदनी पर आधारित है ठीक है अवशिष्ट गोबर क्या होता है गोबर है आपका अवशिष्ट और उससे अगर हम धन बना रहे वेल्थ बना रहे तो ये क्या है आमदनी ठीक तो देखिए अगर हम गोवर्धन स्कीम का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रेव बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन ठीक है क्या फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन ये जो है ये गोबर धन का फुल फॉर्म है फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट है ठीक है पांच सौ नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी यह घोषणा किया गया है आपके बजट 2023-24 में ठीक है तो गोबर धन स्कीम का संबंध किससे है इसमें जो है आपके अवशिष्ट से आमदनी गोवर्धन का फुल फॉर्म है गेलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन इसके तहत जो है 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी गोवर्धन स्कीम के तहत ठीक इंपॉर्टेंट है अगर हम देखेंगे तो हमारे गोधन न्याय योजना गौठानों में जो आपका प्रयोग हो रहा है वो कुछ इसी के इर्द गिर्द है अभी हमारे प्रदेश सरकार क्या कर रही है गोबर पेंट बना रही है ठीक है गोबर से जो है पेंट बना रही है वो पहले ही हमारे उसमें आपका प्रयोग हो चुका है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में उसी कॉन्सेप्ट पर है अवशिष्ट से आमदनी के नए सृजन करना ठीक है संयंत्र स्थापित करना नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है मिष्टी मिष्टी का संबंध किससे है देखिए ये इस बार ना बहुत छोटे छोटे वर्ड से जो है कुछ कार्यक्रम कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है मिष्टी का संबंध जो है ये मैंग्रोव वन रोपण एवं उनके विकास से है मैंग्रोव वन मैंग्रोवन जनरली जो है आपके समुद्र के किनारे ठीक है मैंग्रोवन जो है ये जनरली आपके समुद्र के किनारे पाए जाते हैं लवणीय क्षेत्रों में ठीक है लवणी, लवणी यानी कि खारे पानी में खारे पानी में लवणीय पानी में ठीक है खारे पानी में जो उगने वाले जो पौधे हैं जो वनस्पति है उन्हें कहा जाता है वन जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र ठीक है गुजरात का आपका समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र यहाँ पे सभी के सभी जो है आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो मैंग्रोव पौधा रोपण के लिए मैंग्रोव में, जो है उसके पौधा रोपण और उनके विकास के लिए मिष्टी कार्यक्रम की घोषणा की गई है तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल ठीक है क्या है मैंग्रोव पहल है तो मिष्टी कार्यक्रम का संबंध किससे है मैंग्रोव पौधा रोपण से है ठीक है नेक्स्ट है, है अमृत धरोहर योजना अमृत धरोहर योजना क्या है आर्द्र विविधता क्षेत्र जिसे आप साधारण बोलचाल की इस भाषा में कहते हैं रामसर साइट रामसर साइट के संरक्षण से संबंधित है ठीक है रामसर साइट के संरक्षण से संबंधित है।, है? है अब देखिए रामसर साइट रामसर साइट के संरक्षण संबंधित है इसकी क्रियान्वयन अवधि कितनी है तीन साल है भारत में जो है वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है पचहत्तर है बहुत से एग्जाम का प्रश्न ये बनेगा ठीक है आजादी के अमृत महोत्सव पचहत्तर साल पूरे हो चुके हैं और इसी में जो है हमारे भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है पचहत्तर हो चुकी है भारत में जो सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है पूछा जाए तो वो है आपके तमिलनाडु ठीक है कहां पर पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक आपके रामसर साइट्स तमिलनाडु में स्थित है ठीक इंपॉर्टेंट है याद रखना है तो अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है आपके आर्भूमि जैव विविधता क्षेत्र यानी कि रामसर साइट्स के संरक्षण से संबंधित है इसकी कार्यान्वयन अवधि पचहत्तर है ठीक में में है इंपॉर्टेंट है. है? है याद रखना है नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फोर ठीक है देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फोर के तहत आपका तीस स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी ठीक है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसके तहत कोडिंग ए यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स मैकाट्रॉनिक्स आईओटी, 3डी थ्री प्रिंटिंग ड्रोनो और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जिसके तहत तीन स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इसमें ये सारे के सारे पाठ्यक्रम आपके शामिल किए जाएंगे ये सभी सभी के पाठ्यक्रम अभी आधुनिकता के दौर से संबंधित है कोडिंग का दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है रोबोटिक्स का दौर है मेकाट्रॉनिक्स का दौर है थ्री प्रिंटिंग ड्रोन तो ये सारे पाठ्यक्रम उसमें शामिल किए जाएंगे नेक्स्ट है देखो अपना देश पहल इस साल के बजट में एक पहल की भी घोषणा की गई है देखो अपना देश अब ये है क्या नाम से ही स्पष्ट है मध्यम वर्ग के नागरिक को विदेशी पर्यटन के बदले घरेली, घरेलू घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इस देखो अपना देश पहल की शुरुआत की गई है यानी कि जो मध्यम वर्गीय जो नागरिक है उनको विदेशी पर्यटन के बदले उन्हें घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की एक पहल है ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रखना है देखिए इसमें जो है आपके जो, ये किस पे फोकस है मध्यम वर्ग के नागरिकों पर फोकस है उन्हें जो है विदेशी पर्यटन के बदले यानी कि दूसरे देश में घूमने फिरने के जाने के बदले उन्हें जो है आपके घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई ठीक है देखो अपना देश नेक्स्ट है यूनिटी मॉल अब ये यूनिटी मॉल का संबंध क्या है ध्यान दीजिएगा एक जिला एक उत्पाद आप दे, देख चुके हमारे भी प्रदेश में 28 जिलों के आधार पर अभी जो पांच जिले हैं वो शामिल नहीं है 28 जिलों के आधार पर हर एक जिले का अपना एक प्रोडक्ट है एक जिला एक उत्पाद जीआई उत्पाद ठीक है यानी कि कई राज्यों के अपने बहुत से ऐसे उत्पाद जिन्हें जी आई टैग प्राप्त है अन्य हस्तशिल्प जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें ढोकरा शिल्प हो गया काष्ट शिल्प हो गया झारा शिल्प हो गया ठीक है हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी यूनिटी मॉल इन यूनिटी मॉल की स्थापना आपके प्रदेश के राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर या फिर उनकी वित्तीय राजधानियों में एक यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी इस यूनिटी मॉल में जो आपके एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट है ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें जी आई टैग प्राप्त है ऐसे आपके हस्तशिल्प और शिल्प उत्पादों को इन यूनिटी मॉल के अंतर्गत रखा जाएगा ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रखना है यूनिटी मॉल जिसका संबंध एक जिला एक उत्पाद जी आई उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने से है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पत्र अब ये काफी इंपॉर्टेंट है इससे प्रश्न बन सकता है महिला सम्मान बचत पत्र क्या है महिला सम्मान बचत पत्र देखिए ये दो वर्ष की अवधि के लिए है महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ ये महिला सम्मान बचत पत्र है इसकी अवधि जो है ये मार्च 2025 तक इसकी कार्यान्वयन अवधि निर्धारित की गई है इसमें सात प्रतिशत पांच सॉरी सात दशमलव पांच सेवन पॉइंट फाइव परसेंट के ब्याज दर से जो है इसमें आपका इंटरेस्ट ब्याज दिया जाएगा ये दो लाख तक की जमा की सुविधा इसमें दी जा रही है ठीक है जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है वैसे ही टाइप का आपके महिलाओं के लिए लाया गया है क्या लाया गया है आपके महिला सम्मान बचत पत्र जिसमें जो है दो वर्ष की अवधि के लिए होगा ये जो आपका है इसमें दो साल के लिए इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं कितना दो लाख रुपए तक की राशि जिसमें 7.5 परसेंट ब्याज दिया जाएगा और ये जो है मार्च 2025 तक स्कीम रहेगा ये बचत पत्र वाला जिसे महिलाओं और बालिकाओं के नाम पर कुछ आंशिक आहरण विकल्प के साथ ये जो है आपकी सुविधा प्रदान की जाएगी इंपॉर्टेंट है याद रखना है प्रश्न पूछा जाएगा कि महिला सम्मान बचत पत्र के तहत कितना ब्याज दर निर्धारित है तो किचित कितना ब्याज दर निर्धारित है आपका सेवन ठीक इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है राजकोषीय प्रबंधन राजकोषीय प्रबंधन ध्यान दीजिएगा राज्यों को 50 वर्ष का राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने का घोषणा किया गया है आपके बजट 2023-24 में देखिए जिसे 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है ठीक है यानी कि सरकार जो ऋण देगी उस ऋण को केवल पूंजीगत व्यय में खर्च कर सकते हैं पूंजीगत व्यय जिसमें क्या होगा आपका परिसंपत्तियों का ठीक है परिसंपत्तियों का सृजन होता है परिसंपत्तियों के सृजन संबंधित यानी कि सरकार जो ऐसे व्यय करते हैं जिसे सरकार को फ्यूचर में क्या हो आय हो यह कहलाता है आपके स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन यह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत होता है तो इस साल के बजट में घोषणा किया गया है कि राज्यों को पचास वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण ठीक है बिना ब्याज का ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों तक के लिए दिया जाएगा और जिसे इसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपके पूंजीगत व्यय पर खर्च करना होगा राज्यों को नेक्स्ट राज्यों के लिए राजकोषीय राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% परसेंट होगा ठीक है 3.5% परसेंट किया गया है मतलब कि जैसे कि आपका हम बात करें छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ सरकार जनरली क्या करती है किसानों को आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका एमएसपी निर्धारित है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है उससे ज्यादा रेट पर सरकार जो है धान खरीदी करती है किसानों से लेकिन सरकार अपने जेब से तो पैसा देगी नहीं सरकार इसके लिए क्या करती है इसके लिए लेती है आपका ऋण यानी कि लोन और राजकोषीय घाटा क्या होता है जब सरकार जो है अपने कमाई से ज्यादा खर्च करती है तो ये राजकोषीय घाटा कहलाता है तो कमाई से ज्यादा खर्च करने पर लगाम लगाए जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 परसेंट ही होगा कि राज्यों के लिए फिक्स किया गया है कि मैक्सिमम 3.5 परसेंट तक ही आपका राजकोषीय घाटा होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आए वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा देखिए अभी जो है नए टैक्स लैब निर्धारित किए गए हैं ठीक है नए टैक्स लैब जो है अभी वर्तमान में निर्धारित किए गए हैं देखिए व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत इसमें जो है कर स्लैब की सीमा घटाकर पांच की गई है पहले जो टैक्स स्लैब है टोटल छह स्लैब होते थे ठीक है टोटल जो है छह स्लैब होते थे अब इन छह स्लैब को घटा करके कर दिया गया है कितना यह कर दिया गया है आपके पांच स्लैब ठीक है इंपॉर्टेंट है टोटल जो है आपके पांच टैक्स स्लैब कर दिए गए हैं और करों में छूट दी गई है अगर हम बात करें जैसे कि जीरो से तीन लाख तीन लाख रुपए तक जीरो परसेंट है तीन से छह लाख तक पांच परसेंट है छह से नौ लाख तक दस परसेंट नौ से बारह तक पंद्रह परसेंट बारह से पंद्रह तक बीस परसेंट और पंद्रह से ऊपर है आपका तीस परसेंट और इस बजट में एक और लाइन मेंशन किया गया है कि नई कर व्यवस्था में सात लाख रुपए आए वाले व्यक्तियों को कोई भी कर का भुगतान नहीं करना होगा ठीक है अगर आप देखेंगे तो जीरो से तीन लाख तक शून्य प्रतिशत है और तीन से छह लाख तक यहां पांच प्रतिशत दिया गया है और यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है कि सात लाख तक कोई भी कर नहीं देना होगा और यहां पे परसेंटेज मेंशन है तो देखिए यहां पर जो आपको वर्ड लिखा हुआ है ना कि नई कर व्यवस्था में सात लाख रुपए की आय तक वाले व्यक्तियों को कोई भी कर का भुगतान नहीं करना होगा इसके लिए एक आपका वर्ड यूज होता है टैक्स रिबिट ठीक है टैक्स रिबेट का मतलब क्या होता है सरकार जो है सात लाख तक जो है टैक्स की राशि तो आती है लेकिन सरकार जो है उस कर की राशि को माफ कर देती है सरकार जो है उस कर की राशि को माफ कर देती है साधारण शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो यानी कि टैक्स का अमाउंट तो बनता है लेकिन उस अमाउंट को आप रेबिट कर सकते माफ करवा सकते हैं ठीक है टैक्स रिबेट कहा जाता है इसे टैक्स रिबेट जिसके अंतर्गत इसमें जो है देखिए ये पहले था आपका पांच लाख रुपए तक इस पांच लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर अभी इस साल कितना किया गया सात लाख अब सात लाख तक जो है आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं यानी कि रिबेट का मतलब क्या होता है सरकार के द्वारा उस आपके टैक्स की राशि को माफ कर दिया जाता है ठीक है तो यह है आपका इसमें आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि टोटल कितने आपके स्लैब है कर कर के टोटल कि कितने स्लैब है टोटल तो पांच स्लैब है ठीक है टोटल कितने स्लैब है पांच स्लैब है क्योंकि शून्य वाले को तो हम काउंट नहीं करेंगे तो एक दो तीन चार पांच टोटल पांच स्लैब है तो से घटा करके इसे कर दिया गया कितना पांच ठीक अब नेक्स्ट देखिए कुछ सिंगल वन लाइनर है उस पर चर्चा करते हैं अन्य मुख्य घोषणाएं सबसे बड़े नंबर पर है कर्नाटक सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र के निवारण के लिए चलाई जा रही ऊपरी भद्रा योजना हेतु तिरपन करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान है ठीक तिरपन सौ करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रावधान है देखिए केंद्रीय बजट में किसी एक पर्टिकुलर राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं पर अगर कोई राशि आवंटित हो रही है तो वो योजना अपने आप हाईलाइट में आ जाती है तो ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के निवारण के लिए आपका ऊपरी भद्रा योजना चलाई जा रही है और उस योजना के लिए केंद्र सरकार फंडिंग कर रही है कितना तिरपन सौ करोड़ रुपए का तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि आपकी केंद्र सरकार के सूखा प्रभावित निवारण की योजना ऊपरी भद्रा योजना पर इस साल के बजट में तिरपन सौ करोड़ रुपए की राशि सहायता राशि का प्रावधान है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट तीन उत्कृष्टता केंद, केंद्र स्थापित किए के जाएंगे आर्टिफिशियल अभी जो वर्तमान जो दौर आ रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आ रहा है मशीन जो कि मानव बुद्धि के जैसे काम करे ठीक है ऐसे मशीन जो कि मानव बुद्धि के जैसे काम करे, वो कहलाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ठीक है तो ये आप इसके लिए जो है तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए के जाएंगे ये घोषणा की गई है पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता यानी कि कोई व्यक्ति जो बिजनेस पर्पज से ट्रेवल कर रहा है तो वह अपने पैन कार्ड को अब अपने आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है यह एक पहचान पत्र के रूप में भी इस साल के बजट में उसे मान्यता दिया गया है ठीक है 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाएंगे ठीक है 5G अभी जो है आपके 5G नेटवर्क आ चुके हैं तो 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए यानी कि ऐसे एप्लीकेशन जो कि 5G सर्विस पे भी चले उनके लिए जो है 100 प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाएंगे और ध्यान दीजिएगा हमारे भारत में 5G सेवा की जो शुरुआत है वो 1 अक्टूबर 2022 से हो चुकी है ठीक नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दस बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने दस हजार बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे नेक्स्ट है आपका वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की घोषणा जो है पिछले साल के बजट में किया गया था वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तरी सीमा सीमावर्ती गांव के पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन की सुविधाएं प्रदान की जाएगी ठीक है तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है ये कहां से संबंधित है उत्तरी सीमा भारत के उत्तरी से सीमा से संबंधित है नॉर्थ साइड और उस नॉर्थ साइड के सीमावर्ती गांव ऐसे गांव जो कि बॉर्डर पर मौजूद है यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर मौजूद है ठीक है गांव में जो है पर्यटन की बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी तो ये था आपका केंद्रीय बजट 2023-24 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी आपकी आपकी योजनाओं के बारे में बताया है वो योजनाओं की वो योजनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है योजनाओं का फुल फॉर्म क्या है सारा इंपॉर्टेंट है ठीक है डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि इस योजना का जैसे कि आपका पीएम विकास योजना का फुल फॉर्म क्या है मिष्टी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है अमृत धरोहर योजना का संबंध किस क्षेत्र से है ऐसे बेसिक क्वेश्चन इससे बन सकता है ठीक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो आपकी अवधि है ये ये लागू कब से हुआ कितने वर्ष के लिए बढ़ाई गई है ये सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कथन आधारित प्रश्न आपसे बन सकते हैं टैक्स लैब कितना है ये पूछ सकता है ठीक है राजकोषीय घाटा क्या है और बजट से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने शुरू में पढ़ा वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये रहा आपका केंद्रीय बजट 2023-24 किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद